एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा नईम, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल इमेज को कार्टून इफेक्ट दे सकते हैं कैनवा में। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो फिर भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एक बहुत ही अमेजिंग, सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेंगे। आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, कैसे इमेज को अपलोड करना है, क्रिएटर डिज़ाइन में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन रखूँगी, ठीक है, 1280x720। और यहाँ पर आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक बार दिया हुआ है अपलोड्स का, ठीक है। अपलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर ब्लू बटन एक दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी फाइल को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी इमेज है, मैं उसको यूज़ करूँगी इस तरह से, और आप इसको कॉर्नर से ड्रैग करके इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द इमेज, आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें और एडिट इमेज पर जाएं। इधर यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है एडिट इमेज, लेफ्ट साइड पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, मैं जाऊँगी प्रिज्मा पर, ठीक है। ये आपको टूल जो है वो इधर टूल्स ऑप्शन में जाकर भी मिल जाएगा अगर आपको ऊपर नहीं मिलता, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आई विल क्लिक दिस। क्लिक स्कूटर पे जाकर आप इसको क्लिक करेंगे और मैजिक विल हैपन। कुछ ही देर में एक मैजिक होगा और आपकी जो इमेज है वो कार्टून करेक्टर में जो है वो कार्टून में इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने अब इसको क्या करना है, एडिट इमेज में ही अगेन जाके, ठीक है, एडिट इमेज में जाएं और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है। मुझे ये जो बैकग्राउंड है ये नहीं चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगी। आपको अगर एज इट इज़ वही बैकग्राउंड चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं, या फिर एक प्लेन कलरफुल बैकग्राउंड भी आप इसके रख सकते हैं। इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो अभी जो है वो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा, आप ये कैनवा का वो फीचर है बैकग्राउंड रिमूवर, आप इसको इजी रिमूवर में भी जाकर जो है वो कर सकते हैं। मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी, आप जाएंगे एडजस्ट पे सिचुएशन, इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने थोड़े से इनहेंस कर दिए, ठीक है। एडजस्टमेंट में आप कंट्रास्ट एंड सेचुरेशन वगैरह कुछ भी जो है आप वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगी। आप इधर शेयर के बटन पे जाएंगे और मुझे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ चाहिए, तो मैंने इसको डाउनलोड इस तरह से कर लिया। अच्छा, अगेन आप अपलोड्स पे जाएं और यहाँ पर आपकी जो इमेज है इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसका बैकग्राउंड का कलर चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर लूँगी, आई वॉन्ट येलो। आप इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका ब्राइट कलर चाहती हूँ, तो मैं इसका कलर एडजस्ट कर लूँगी। अगेन हम अन्य जो अपलोड की थी पिक्चर उसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, ड्रैग करके। तो आप इधर से एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी इमेज आ गई है कार्टून करेक्टर में। अब मुझे ये राउंड में चाहिए, तो मैं इसको अपने फ्रेम में कैसे एडजस्ट करती हूँ। अगेन मैं इसको डाउनलोड करूँगी। अब मुझे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगी। अगेन अपलोड्स में जाएं, अपलोड फाइल,
और जो आपकी इमेज है वो उसको अपलोड कर लें, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए फ्रेम, मैंने फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम जाएंगे एलिमेंट्स में और फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। फ्रेम में यहाँ पर ऑसी ऑल फ्रेम्स, आप किसी भी स्टाइल का सर्कल चाहिए वो आप ये अपनी चॉइस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल सिलेक्ट दिस। अच्छा मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूँगी। नाउ अपलोड, इस तरह से आपकी इमेज जो है वो कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि कितने इजी वे से हम अपनी जो इमेज को है वो एक अमेजिंग सा रिजल्ट दे सकते हैं कार्टून इफेक्ट का। तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।